मिनट के अंदर ज्वाइन करोगे तो उस दिन टेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, कोई शक? नो सर। नो सर। चलिए, सो अंडरस्टैंड। सो नाउ टुडे वी विल गो इनटू अनदर ब्यूटीफुल टॉपिक, सो दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड पूजेनेसिस। ओके, मैं आपको थोड़ा डिफरेंसेस बताता हूँ। पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कर लेंगे, फिर मैं आपका दिखाऊंगा कि उसका पूजेनेसिस के साथ क्या डिफरेंसेस है। ठीक है? तो बिकॉज ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो ऑलरेडी मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप नहीं जानते हो उसके बारे में कुछ, जबकि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, आप अभी हाफ ईयरली भी देने वाले हो। चलिए, सो इसीलिए इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो व्हाट वी स्टार्टेड दैट द स्पर्म मदर, ओके, द स्पर्म मदर सेल्स डिसेंडेड, ओके, कहां से आए हैं? डिसेंडेड फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ओके, आप लोग में से भी बहुत लोग कालू जाते हो, मैं आपको एक कालू का टेस्ट आज फॉरवर्ड कर रहा हूं, अभी आप देख लेना। ये हमारे यहाँ सीएसपुर में 11th क्लास में हुआ है। तुम देखो कि तुम लोग जो वहां जाते हो, तुम लोग को भी इस लेवल का टेस्ट नहीं दिया जाता। आई होप यू हैव रिसीव्ड ए फाइल, यू चेक। आप अपना देख लो, एक फाइल रिसीव किया आपने, मैंने भेज दिया है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो आप देख लेना, उसमें बायोलॉजी सेक्शन एक बार देख लेना, मेरे को बताना कि आप लोग जो लोग एक्चुअली कालू जाते होंगे उन लोग क्या क्लास करने हैं, क्या आप लोग सिमिलर टेस्ट दिए हो क्वालिटी वाइज। चलिए, सो गिव द करेक्ट फीडबैक। नाउ द स्पर्म मदर सेल्स डिसेंडेड फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? PGC, which are extra embryonic in origin. समझ रहे हो? Actually, what happens? कभी भी आप लोग को शुभा नहीं हुआ, because you have a lot of good children, like Aniket is a very good boy. आप लोग कभी ये सोचे भी नहीं कि हमारे बॉडी में सपोज 200 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ऑल डिवाइड बाय माइटोसिस, ओनली दे डिवाइड बाय मियोसिस। व्हाई? ओके, कभी हमने सोचा नहीं कि क्यों स्पर्म मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करता है। कैन एनीबॉडी टेल? ओके, कैन एनीबॉडी गेस द आंसर, व्हाई दे डिवाइड बाय मियोसिस? उसने JJS का क्लास किया है, उसको पता है बेटा कि मैं तो एनिमल तो डिप्लॉयड है, मैं तो हैप्लॉयड हूँ, और अगर मैं हैप्लॉयड नहीं बना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे का चेंज हो जाएगा, इस तरह से सब। तो ऐसा ये सच है क्या? मैंने क्या स्पर्म मदर सेल जेजे सर का क्लास किया था, उसको कैसे पता चला माइटोसिस मियोसिस के बारे में? हाँ, उसने म्यूटेशन पढ़ा है, उसने जेनेटिक्स पढ़ा है। बोलो, टेल योर आंसर्स फास्ट, सी वी हैव शॉर्ट क्लासेस। सर आप प्लीज समझा दीजिए सर। सुनो सुनो सुनो, आप लोग ये जो मुख को बधिर जैसे मत बैठा करो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, यू आर नॉट रेडी फॉर KVQI। कल आपके प्रिंसिपल सर मुझे फोन किए थे, मैंने बोल दिया है उन लोगों को, आई हैव टोल्ड हिम दैट एक्चुअली यू आर वेरी फार फ्रॉम KVQI। तो एक्चुअली सर हैज प्रॉमिस्ड मी कि अगर बच्चे बोलेंगे तो हम क्लास बढ़ाएंगे। ओके, वो आप पे है, तो इसीलिए भाई देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच को पकड़ पकड़ के चलता हूँ। तो इसीलिए आप धड़ाधड़ आंसर दो, तब जाके हम टाइम का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए, सो इसीलिए एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो स्पर्म मदर सेल है वो तो जेजे सर का क्लास करता नहीं है ना,
उसको किस तरह से पता चला प्लॉयड ही एक चीज होता है, वो डिप्लॉयड नहीं है, आप डिप्लॉयड हो, हाउ डज ही नो? तो इस तरह के आंसर्स हम लोग जो है टीचर बच्चों को बताते हैं। तुम बच्चे हो क्या? अभी अगर गरीब घर में होते तो अभी तुम लोग का एक दो बच्चा होता, समझे कि नहीं? तो तुम आ रहे होते प्लस टू, वो उसको छोड़ के आ रहे होते एलकेजी। तो इमेजिन, बिकॉज यू आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चाइल्ड बाय 14 इयर्स एज। अभी आपका 17 साल हुआ तो आपका बच्चा का भी 17 साल हो, 3 साल हो गया होता। तो मैं प्लस टू क्लास करता था, छुआ को एलकेजी छाड़ के आता था ना, क्या अनिकेत बताओ? Yes, sir. देखो, वेरी गुड, वो मान भी रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली दैट दिस सच आंसर्स आर कॉल्ड टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। तो मैंने तनुश्री को पूछा कि तनुश्री आप इतने सुंदर क्यों हैं? तनुश्री बताइए, तनुश्री व्हाई आर यू सो हॉट, व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल, बताओ जल्दी बताओ। सर जेनेटिक। तो तनुश्री मेरे को बोलती है सर आई वांट टू बिकम मिस इंडिया। तो अब तनुश्री को मिस इंडिया बनना है, ये उस स्पर्म को पता था जिसने तनुश्री को बनाया, या उस अंडे को पता था जिसने तनुश्री बनाया? पता था? नो सर। तो इस तरह के आंसर को हम लोग क्या कहते हैं? टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, माने एन एक्सप्लेनेशन विच इज वेरी फार फ्रॉम लॉजिक। अंडरस्टूड? तो एक्चुअली व्हाई दे बिहेव डिफरेंट, बिकॉज दे आर डिफरेंट। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एनीबॉडी कैन टेल? तुम्हें ये सब आना चाहिए था। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब आउटसाइड द एम्ब्रियो, मतलब जिस सेल ने बच्चा बनाया उस सेल ने स्पर्म मदर को नहीं बनाया, समझ आया? सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो द स्पर्म मदर सेल्स डिसेंडेड फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स विच आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन। ओके, दे दीज सेल्स एक्चुअली दीज BGCs originated from, कहां से? From extra embryonic mesoderm, okay, comma, then they entered yolk sac endoderm, then they entered urinogenital yolk sac। ये भी extra embryonic है, extra embryonic endoderm, याद रखना extra embryonic endoderm, ठीक है? Then they entered urinogenital, ये आ गया intra embryonic, है ना? देख रहे हो, ये सब आपको पता नहीं है, जबकि ये आपको पता होना चाहिए था, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस चैप्टर। मैं तो पीछे से दोबारा करा रहा हूं। सो देन दे एंटर्ड इन यूरिनोजेनाइटल इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एंटर्ड इनटू द एम्ब्रियोनिक क्या टेस्टिस। तो सिंस हम यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं, टेस्टिस, अगर ऊजेनेसिस कर रहे होते तो ओवर, बुझे? तो नाउ एक्चुअली दे आर डिफरेंट ऑरिजिन देन ऑल सेल्स ऑफ योर बॉडी, दे हैव ओरिजिनेटेड डिफरेंटली फ्रॉम ऑल अदर सेल्स ऑफ योर बॉडी, इसलिए उनका बिहेवियर भी डिफरेंट है, ठीक है? Now these BGCs first divide by mitosis and increase their number. Okay, now next point, within the testis. अब जैसे ही वो testis के अंदर आएंगे
उनका नाम बदल जाएगा. विद इन द टेस्टिस दे आर रेफर्ड टू एज द टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. ओके, व्हाट इज टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया? दे आर यूनिपोटेंट स्पर्म स्टेम सेल्स एंड डिसाइड द स्पर्म लिनिएज. ठीक है, लिनिएज माने वंश. तो को वंशर स्पर्म हब से ये डिसाइड करुछ. ओके, तो विद इन द टेस्टिस दे आर रेफर्ड टू एज टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. ओके, यूनिपोटेंट स्पर्म स्टेम सेल्स एंड डिसाइड द स्पर्म लिनिएज. हो गया, नेक्स्ट पॉइंट. नाउ दीज सेल्स कीप डिवाइडिंग बाय माइटोसिस. ओके, नाउ उसके बाद द स्पर्मेटोगोनिया which decides to enter meiosis interphase. तो जिसने प्लान चेंज किया, जो मियोसिस में घुसने का कोशिश करेगा, तो द स्पर्मेटोगोनिया which decides to enter meiosis interphase are called क्या? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एंड दे आर द एक्चुअल स्पर्म मदर सेल्स. तो तुम्हारे बुक में जो स्पर्मेटोगोनिया दिया है वो कौन है एक्चुअली? टाइप बी. ओके, नाउ As they start the cell cycle, they are renamed as kya? Primary spermatocyte. ठीक है, तो primary spermatocyte. तो इसका ploidy level क्या है? 2N, 2C. You can ask your doubts if you have, okay? So you don't need to remain silent. 2N, 2C. Okay? Iska, abhi kya hoga? They are named as primary spermatocyte, comma. After S phase, yaad hai? The ploidy level kya ho jayega? The ploidy level becomes 2N, 4C. क्योंकि double हो जाएगा DNA. So as they start the cell cycle, they are renamed as primary spermatocytes. Okay. After S phase, the ploidy level becomes 2N, 4C. But इसके पहले क्या था? 2N, 2C. ठीक है? तो पहले 2N, 2C था. After S phase, the ploidy level becomes 2N, 4C. ठीक है, full stop. इसको हम लोग कहते हैं क्या? Growth phase of spermatogenesis. Okay, इसको growth phase of spermatogenesis कहते हैं. Now, ये जो dividing है, keep divided mitosis, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव स्टेज. मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, ओके, या इसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज हर शब्द जो मैंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना. ठीक है, तो एज दे स्टार्ट द सेल साइकिल दे आर रीनेम्ड एज स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, नाउ उसके बाद क्या होगा? दे डिवाइड बाय क्या?
मियोसिस वन ब्रैकेट में रिडक्शनल डिवीजन ओके टू प्रोड्यूस टू इक्वल डॉटर सेल्स नोन एज क्या है बैटरी लगा सूची सेकेंडरी स्पर्मोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो इसका प्लॉयडी लेवल क्या हो जाएगा खाली गेंजी में मोड़ी बन सकती एन कॉमा एन टू सी बुलाओ नहीं हाँ एन कॉमा टू सी ठीक है तो टू इक्वल डॉटर सेल्स नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ठीक है जी सर हाँ बोलिए सर जो टाइप बी जो है जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी का हाँ सर इसको प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म क्यों कहा जाता है बिकॉज उसी से स्पर्म बनता है अभी अभी स्पर्म बनेगा ना सर टाइप ए से स्पर्म नहीं बनता है टाइप ए से क्या बनता है टाइप बी तो टाइप ए इज कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ टाइप बी बट टाइप बी को कहते के क्या कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म इसलिए एक्चुअल स्पर्म मदर सेल कौन है टाइप बी बी तो आई विल शो यू आप जानते हो ना कि जो मैं बोल रहा हूं मैं उसका साबित भी कर दूंगा दैट मच आई थिंक यू हैव फेथ इन मी जेजेस कैसे सब कोई बात नहीं बोलता है जो उसको साबित ना कर सके सो एक्चुअली आई एम वेटिंग बिकॉज अभी कट जाएगा अभी कट जाएगा तो इसलिए प्लीज याद रखिए स्पर्म लिनियज कौन डिसाइड करता है टाइप ए स्पर्म लिनियज का मतलब है वो जिंदगी भर स्पर्म ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा ये टोटिपोटेंट सेल है बट इसका मतलब नहीं है कि तुम स्पर्मेटोगोनियम से लेकर हड्डी बना दो नो ये यूनिपोटेंट है मतलब यूनिपोटेंट का मतलब क्या है ए की दिशा में काम करेगा तो ये क्या बनाएगा ये स्पर्म ही बनाएगा ओके सो इसलिए टाइप ए का एक ही काम है टाइप बी बना बस